अरे देख देख देख, ये गरीब भिखारन आ गई। शर्म नहीं आती तुम दोनों को इसे गरीब भिखारन बोलते हुए? इसका नाम शिवानी है, शिवानी, समझी तुम दोनों? आगे से ना ध्यान रखना तुम दोनों, उसका नाम सही से लेना। छोड़ो यार सोनम, तुम इन दोनों बेवकूफों को क्यों बोला रही? चलो यार सोनम। सही कहा तुमने शिवानी, वैसे भी ये दोनों बेवकूफ हैं, आता जाता तो कुछ नहीं है, बस नाम बिगाड़ने की कह दो। चलो शिवानी यहाँ से, ऐसी शक्ल भी नहीं देखना हमें। सोनम, तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया, तुमने किया क्या अपना? मैंने तो किया। ओहो, मुझे पता है तुम तो मेरी पढ़ाकू फ्रेंड हो, तुम तो कभी इनकम्प्लीट रह ही नहीं सकता तुम्हारा होमवर्क तो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। मेरे दिन रात ये सुबह शाम ये मेरे सारी जिंदगी, तुम मेरी बेस्टी, तुम ही तो हो। सच में शिवानी, तुम ना मेरी बेस्टी हो, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की होमवर्क में, थैंक यू सो मच। अरे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो किसकी हेल्प करूंगी? बहुत गुस्सा आ रहा है इन दोनों पर, और मुझे क्या आ नहीं रहा क्या? ऋषि का हमें ना कुछ करना पड़ेगा, इनकी ना पक्की दोस्ती है, इसे तुड़वा के ही रहेंगे, कैसे भी चाहे कुछ भी करना पड़े। सही कहा तुमने, मेरे पास ना बहुत ही मस्त प्लान है, जान लाओ अपना। वाह ऋषि का, ये तो बहुत मस्त प्लान है। मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता है, वो तो है। उनकी दोस्ती पक्का टूटेगी। हाँ यार, तुड़वा के चैन मिलेगा। चलो Everybody I love. अरे आज ये शिवानी नहीं आई क्या? ओहो, लगता है आज मुझे क्लास में अकेले ही बैठना पड़ेगा। ये आती तो कितना अच्छा होता, मुझे कितना अच्छा लगता, अब मुझे ना अकेले ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। थैंक यू सर। तो बच्चों, मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक न्यू स्टूडेंट से, जिसका नाम है राजेश। राजेश कम है? तो राजेश जाकर अपनी बेंच पर बैठो। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का 6th चैप्टर। ओह माय गॉड, ये तो मेरे ही पास आ रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठो ना, तुम्हारी सीट है ये। क्या मेरा नाम सोनम है। थैंक यू सो मच। अरे सोनम, ये तो तुमने गलत कर रखा है। मुझे नहीं आता कि ये कैसे सही होगा। चलो मैं बताता हूँ। थैंक यू। दिल मेरा जो था अब तेरा हो गया। ओह वाओ, तुम तो बहुत हैंडसम होने के साथ साथ इतने इंटेलिजेंट भी हो। थैंक यू।
बेचैनियाँ फिर बढ़ने लगे। तुमसे मिलने की दिल अब जिद ये करे, बेचैनियाँ फिर बढ़ने लगे। तुम ख्वाबों में ना अब आया करो, तुम यूं ही हमें न सताया करो। आज तो छुट्टी कब हो गई पता ही नहीं चला है ना। हाँ यार सोनम, मुझे भी पता ही नहीं चला कब टाइम गुजर गया तुम्हारे साथ। तू ढूंढ ले यारा मेरे, यारा मेरे, यारा मेरे। तो आज ही हम लोग फ्रेंड्स। हाँ मेरा पता तू पूछ ले दिल की जगह, तू ढूंढ ले। आज सारा दिन तुम्हारे साथ कैसे गुजर गया? हाँ यार तुम्हारे साथ तो टाइम आज पता ही नहीं चला। अच्छा मैं तुमको झूला झुलाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर। अच्छा चलो ठीक। यारा मेरे, मेरा पता तू पूछ ले दिल की जगह, तू ढूंढ ले यारा मेरे, यारा मेरे, यारा मेरे। तेरी वफा तुम राजेश ही हो, बस पहचान लिया मैंने तुम्हें। अच्छा तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? अरे क्या हुआ राजेश, क्या सोच रहे हो? बोलो ना क्या बात है। अरे वो, अरे बोलो यार, तुम मुझसे ही शर्मा रहे हो। अरे वो मैं सोचो मन, तुम बताओ क्या बात है। मेरा पता तू पूछ ले रुकी जगह, मैं बहुत दिनों की सोच रहा था तुमसे बोलने के लिए, लेकिन आज बोल ही देता हूँ। आई लव यू सोनम। आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाय बेस्टी, मैं आ गई। हाय, वो शिवानी, अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज तुम पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ सकती हो क्या? अरे तुम मुझसे पीछे जाने की क्यों कह रहे हो? मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं क्यों जाऊँ पीछे? शिवानी मुझे आज तुम्हारे साथ नहीं बैठना, तुम चली जाओ ना प्लीज, पीछे चली जाओ ना। क्यों जाना है यार? तुम चली जाओ, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ, जाओ। हाय सोनम। ओ हाय राजेश। ये जगह क्या तुमने मेरे लिए छोड़ रखी है? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही छोड़ रखी थी मैंने ये जगह। गुड। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्या तुम मुझे ये बताओगे ये? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं बताऊंगा। यारा मेरे, मेरा पता। देखा पूजा, एक लड़का जिंदगी में क्या आ गया, अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गई है ना। भाई मेरी जिंदगी में तो ऐसे 10 लड़के आ जाए ना, तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सच्ची? मैं भी। बेचारी। हाय बेस्टी। शिवानी तुम्हें देख नहीं रहा, मैं यहाँ में मेरे बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रही हूँ और तुम आ गई मुझे डिस्टर्ब करने वाली, जाओ यहाँ से। अब खड़ी खड़ी हमारी शकल क्या देखने लग रही हो, निकलो यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया, कितनी अच्छे से बातें कर रहे थे हम दोनों, है ना। यार मुझे ये तुम्हारी फ्रेंड ना वो बेकार लगती है। बेकार लगती है? हाँ यार। क्या किया जाए इसका, क्या तुम इससे फ्रेंडशिप छोड़ दोगी? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है और फ्रेंडशिप तो दूर की बात है। सच्ची? हाँ तुम बस यहीं रुको, मैं आती हूँ अभी।
उससे दोस्ती तोड़कर, है ना? ठीक है ठीक है। सोनम कितनी बदल गई है। ओए सुन शिवानी की बच्ची, आज से ना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हमेशा के लिए। पर अपन तो इतने अच्छे दोस्त थे ना। दोस्त? अब मुझे तुझसे भी अच्छा एक बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड मिल गया है, जिसका नाम है राजेश। अरे सोनम तुम्हें ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अपन तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना। दोस्त थे पर अब नहीं। आज से तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना रास्ता देखूंगी, और आइंदा से कभी ना मेरे पास भी मत आ जाना। हमारी दोस्ती खत्म। सोनम, सोनम हमारी दोस्ती को कैसे तोड़ सकते। अरे राजेश तुम इन दोनों के साथ क्या कर रहे हो, और तुम मेरे फोन कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? लगता है तुम्हें बुरा लग रहा है राजेश तुम्हारे साथ खड़ा है तो। तने मेरी हूँ मेरा कदे मन गया भूल चेहरा भूल से तेरा। अरे क्या मतलब है तुम लोगों का? देखो आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम जैसी घटिया लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आज से तुम्हारा और हमारा ब्रेकअप। अरे राजेश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें कितना टाइम हो गया साथ साथ रहते, तुम मेरा दिल ऐसे नहीं तोड़ सकते। ऐसा और वैसा मैं कुछ नहीं जानता, ब्रेकअप माने ब्रेकअप। अब मेरा नाटक खत्म हुआ, अब मुझे और कुछ काम भी देखना है। अरे राजेश कैसा नाटक कर रहे थे तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है इस वेबसाइट को अभी भी समझ में नहीं आया। इसे समझाना पड़ेगा। ये भाई ये हमारा और ये सब नाटक हमने रचाया था, तेरी और उस घटिया शिवानी की, दोनों की दोस्ती तोड़वाने के लिए। क्या भाई? बोल भाई। यस। अब ये सड़ी सी शक्ल लेके मेरे पास मत आना। कुछ तेरे नहीं लाऊंगी। चल अब निकल यहाँ से। हो तू जा काची काट बई मान रे, मैं तो मरते ही दम तक तन जाऊंगी। राजेश ने भी मुझे छोड़ दिया और शिवानी को भी मैंने छोड़ दिया। बड़ी गलती की मैंने। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, माना घड़ा ठीक करी है तन्ने कितने छुपाए राज सारे याद से।